नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 नवंबर 2022 को, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी 9 में अमेंडमेंट की है, आईटीसी को क्लेम करने से रिलेटेड अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, ये सीजीएसटी थर्ड अमेंडमेंट रूल 2022 नोटिफाई किए गए हैं, जिसके द्वारा कि जीएसटी 9 में जहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 में जो हेडिंग में सेक्शन दी गई थी अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के बीच में जहाँ पे वर्ड लिखे गए थे, वहाँ पे अब अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 जो कि फाइल की गई 30 नवंबर 2022 से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में भी सीरियल नंबर 10 एंड 11 में जहाँ पे अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 लिखा गया था, अब वहाँ पे फाइल्ड अप टू 30 नवंबर 2022 किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार जो सीरियल नंबर 12 है और सीरियल नंबर 13 है, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। इस प्रकार जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यदि आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देते हैं 30 नवंबर 2022 तक। दोस्तों, यदि आप जीएसटी 9 यानी कि एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट देखते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 5 दिया गया था, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन्स आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकते थे और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम कर सकते थे, लेकिन इसके लिए स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया था और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था और पैराग्राफ नंबर 7 में बताया गया था। दोस्तों, ये पैराग्राफ नंबर 7 इंस्ट्रक्शंस का जो कि बताता था कि किस स्पेसिफाइड पीरियड से ये जो टेबल है वो डील करेगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए बताया गया था कि पार्ट फिफ्थ में आप वो ट्रांजेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की जिनका कि जीएसटी अब जीएसटी 3 भी में पे करते हैं अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक। तो दोस्तों, अब इसे चेंज किया गया है। तो दोस्तों, अब आपने यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21-22 का जो जीएसटी है जीएसटी 3 भी में पे किया है अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 का, जो कि आपने 30 नवंबर 2022 तक जीएसटी रिटर्न ने फाइल की है, तो आप वो ट्रांजैक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपने किसी सप्लाई पे टैक्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया था लेकिन उसके बाद आपने अमेंडमेंट की है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 10 या फिर टेबल नंबर 11 में करनी होती थी, इसके लिए भी अब नई सेक्शन में चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, टेबल नंबर 10 और 11 को फिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी फाइनेंशियल 21-22 में, वहाँ पे लिखा गया था कि यदि आपने लास्ट ईयर में कोई सप्लाई डिक्लेयर की है रिटर्न्स में और उसके बाद आपने उसकी अमेंडमेंट कर दी है जीएसटी ईयर 1 में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के लिए, तो आपको वो अमेंडमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती थी। दोस्तों, अब जो चेंज किया गया है, अगर आपने लास्ट ईयर में कोई सप्लाई दिखाई है जिसकी कि आपने अमेंडमेंट की है अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 के पीरियड के लिए और ये अमेंडमेंट जीएसटी 1 में आपने फाइल कर दिया 30 नवंबर 2022 तक, तो आप इसकी रिपोर्टिंग जीएसटी 9 के टेबल 10 एंड 11 में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जीएसटी 9 में आईटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देनी होती थी, यानी कि यदि आपने लास्ट ईयर आईटीसी क्लेम कर लिया था और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे रिवर्स किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 12 में करनी थी। इसी प्रकार यदि आपने कोई आईटीसी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं लिया बल्कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया था, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 13 में करनी थी। दोस्तों, जो टेबल 12 दिया गया था उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का यदि आपने आईटीसी अवेल कर लिया था लेकिन उसकी रिवर्सल आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है, यानी कि अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के लिए जो आपने जीएसटी रिटर्न फाइल की है उसमें की है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर करनी थी। इसी प्रकार टेबल नंबर 13 के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, यानी कि यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई आईटीसी मिस कर दिया था और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के लिए जो आपने जीएसटी रिटर्न फाइल की है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहां पे करनी थी। दोस्तों, अभी जो नया चेंज किया गया है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी यदि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स किया है या फिर क्लेम किया है अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 के पीरियड के लिए जो आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किए हैं 30 नवंबर 2022 तक, तो उसकी रिपोर्टिंग अब आपको जीएसटी 9 में करनी है। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।